हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग जंप में टेक ऑफ कैसे लें, हमें लॉन्ग जंप में बेस्ट तरीके से टेक ऑफ कैसे लेना चाहिए। भाई जरा अच्छे से बताना, ये जो टेक ऑफ ड्रेस है ना उसको अच्छे से बताना। भाई अच्छे से बताऊंगा, किस तरह से हमें टेक ऑफ लेना चाहिए उसको अच्छे से ज़रा बताना। लॉन्ग जंप में टेक ऑफ कैसे लें, किस तरह लेना है अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। और कोई प्रॉब्लम? हाँ, और एक प्रॉब्लम, जब हम जंप लगाते हैं तब हमारा जो यहाँ पर है ना बहुत दर्द होता है इस जगह, और ये जो पैर है यहाँ पर भी दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा पेन होता है इस पैर पर। उसके बारे में ज़रा कुछ बता। ठीक है, उसको भी क्लियर करूँगा। अगर यहाँ पर पेन होता है, पूरे पैर में पेन होता है, तो उसको भी क्लियर करूँगा, आज बताऊँगा उसको। मैं वीडियो को एंड में बताऊँगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो को भाई अच्छे से देखना, तभी तुम अच्छे से समझ पाओगे। चलो ठीक है भाई, चलो हम देखते हैं कि लॉन्ग जंप में किस तरह से अच्छे से टेक ऑफ लेना चाहिए, कौन से टेक्निक है, किस तरह से हमारा टेक ऑफ अच्छा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अभी आपको बताऊंगा, जब आप लॉन्ग जंप में टेक ऑफ लेते हो तो आपको टेक ऑफ कैसे लेना चाहिए। यहाँ पर टेक ऑफ बोर्ड है और आपको दोस्तों यहाँ पर पैर को कैसे रखना चाहिए। आप अगर इस तरह से सिर्फ टो रखते हो यहाँ पर तो बिल्कुल गलत है, उसके बाद सिर्फ हील रखते हो वो भी गलत है, और अगर आप हील के साथ इस तरह से टोटल पैर को इस तरह से रखते हो, हील को रख कर, वो भी गलत है। तो दोस्तों परफेक्ट तरीका क्या है, यहाँ पर आपको पैर किस तरह से रखना चाहिए ताकि आपका टेकऑफ अच्छा जाएगा, अच्छी तरह से हाइट लगा पाओगे आप। तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ये जो पैर है हमारा यहाँ पर इस तरह से पूरा फ्लैट ऐसे पैर को रखना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आपको हील को भी नहीं रखना पहले और टो के भी नहीं, ऐसे आपको पूरा फ्लैट ऐसे पैर को रखना है, और ऐसे दबा कि आपको आगे तरह टेकअप लेना है, तभी आपका अच्छी तरह से टेकऑफ जाएगा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टिप्स दोस्तों यही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात क्या है, यहाँ पर अगर आप लॉन्ग जंप लगाते वक्त जब आप रनिंग करके आते हैं तब आप दोस्तों लंबे लंबे स्टेप लगाते हो, और दोस्तों ये जो मैं अभी बात बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आज को अच्छे से समझना है। जब आप रनिंग करके आते हैं, रनवे अच्छे से सेट किया है, रनिंग करके आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जो लास्ट आपको दो या चार स्टेप है वो लंबे लंबे लगाते हो, और लंबे लंबे स्टेप लगाने से क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको ऐसे पैर आपका जो हिल है यहाँ पर ऐसे आप रखते हो सबसे पहले, और फिर आपका इस तरह से पैर रखता है, और इसके वजह से आपकी बॉडी जो है ना बॉडी आपकी वो पीछे रह जाती है, आप टेक ऑफ अच्छे तरह से ले नहीं पाते। इसलिए हमें दोस्तों आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उतनी आपको स्ट्राइड रखनी है, लंबे स्टेप बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आपका आपकी जितनी स्ट्राइड है उतनी अगर आप रख पाओगे रखोगे तो आपका प्रयास से इस तरह से फ्लैट इस तरह से आएगा, और आपकी टेक ऑफ अच्छे से जाएगा, अच्छे से आप हाइट लगा पाओगे। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट टिप्स है। फिर इसके बाद दोस्तों हम लॉन्ग जंप में टेक ऑफ लगाने के लिए बेस्ट एग्जरसाइज देखेंगे, ऐसे चार या पांच एग्जरसाइज करेंगे, उसके वजह से आपका टेक ऑफ अच्छे से आएगा। और एग्जरसाइज देखो दोस्तों किस तरह से करना है, अच्छे से देख लो, अच्छे से मैं वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको एग्जरसाइज करना है, इससे एग्जरसाइज को आपको अच्छे से फॉलो करना है। पहला वर्कआउट हम यहाँ पर करेंगे, हॉप लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको फास्ट एग्जरसाइज करना है, अगर आपको अच्छे से हाइट लगानी है, अच्छे से टेक ऑफ लगाना है, दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से करें। आपको ज़मीन पर पैर को रखने के बाद आपको घुटने को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट उठाना है, और ऐसे दोनों पैर ऊपर करें। फिर दूसरा एक्सरसाइज करेंगे ब्रॉड जंप। आपको दोस्तों पैर ज़मीन पर पैर को ऐसे आपको फ्लैट रखना है, और आपको जो दोनों घुटने हैं उसको ऊपर ज़्यादा उठाना है, और इसके वजह से आपका टेक ऑफ अच्छा हो जाएगा और आपकी लॉन्ग जंप में अच्छे से हाइट जाएगी। टेक ऑफ अच्छा होने के लिए और एक मेन एक्सरसाइज हम यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों इस तरह से कोन को रखना है, अगर आपके पास कोन नहीं तो आप अब और भी कुछ कर रख सकते हो, और यहाँ से ऊपर इस तरह से आपको नेक को उठा के आपको इस तरह से रनिंग करना है, और ऐसे रनिंग करने से वजह से आपको दोस्तों ये होगा कि आपको नेक को ऊपर उठा के आदत पड़ेगी और आपका टेक ऑफ भी अच्छा हो जाएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पर हनुमान जंप करेंगे, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे आपका टेक ऑफ बहुत अच्छे तरह से जाएगा।
तो दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अभी बताया था कि जब आप लॉन्ग जंप लगाते हो तब आपके यहाँ पर पैर पेन होता है, यहाँ पर शिन पेन होता है, मतलब आपको सिंगल लेग पर आपको जंप लगाना होता है। अगर आपके पैरों में पेन होता है तो उसको अच्छे से करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज है उसको आपको फॉलो करना है, और उसी एक्सरसाइज को आपको दोस्तों यहाँ पर जंपिंग पिट में करना है। ये तो जंपिंग पिट है, यहाँ पर आपको करना है, तो उसको कैसे करना है, किस तरह से करना है, चलो देखते हैं। लॉन्ग जंप लगाने के बाद दोस्तों अगर आपके पैरों में दर्द होता है तो आपको इस तरह से रेती में आपको एक्सरसाइज करना है। इस तरह से आपको दोस्तों पैरों को रगड़ कर जाना है। इससे क्या होगा, इससे आपके पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके पूरे मसल में स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके पैर बिल्कुल नहीं पेन होंगे। और ऐसे आपको दोस्तों 2 या 3 सीट करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट इस तरह से आपको इस तरह से हिल को दबा के इस तरह से आपको पीछे जाना है। ये दोस्तों बेस्ट एक्सरसाइज है। अब अगर आपको शीन पेन होता है, आपका जो पैर है उसको पेन होता है, तो इसी एक्सरसाइज को आपको करना, इसके भी आपको 2 या 3 सेट करना है, इससे आपका पैर ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस तरह से हम लैटरल वॉक करेंगे, इसके वजह से आपका जो लैटरल साइड का मसल है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे आपको दोनों साइड से करना है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट इस तरह से आपको टो पर अप डाउन करना है, आपको हील को नीचे ले जाना है और ऐसे ऊपर आपको इसे होल्ड रखना है, इससे आपके पैर स्ट्रांग होगी। और ये शिन पेन के लिए भी अच्छा एक्सरसाइज है।